नमस्कार दोस्तों, आज सेक्स प्रॉब्लम्स में मैं उस एज ग्रुप की बात करने वाला हूं जो 40 प्लस या 45 प्लस या 50 के आसपास की एज ग्रुप के हैं, जो तकरीबन तकरीबन या तो सरेंडर कर चुके हैं या ये मान चुके हैं कि 50 की उम्र के आसपास तो सेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सेक्स का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, क्षमा चाहूँगा, आप गलत सोच रहे हैं। ठीक से मेंटेन किया जाए तो आप एक पुरुष तब तक सेक्स कर सकता है जब तक वो जीवित है। हाँ, फ्रीक्वेंसी शायद उतना नहीं होगा, आप उतना नंबर ऑफ टाइम्स नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली उतना लिबिडो भी नहीं होगा, उतनी शायद इच्छा भी नहीं होगी, पर इसमें कमजोरी का कोई मतलब नहीं है। क्यों होती है ये कमजोरी, होती क्यों है, हम लोग ये क्यों मान के बैठ जाते हैं कि इस एज में आके ये कमजोरी होती है। असल में इसके पीछे कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से शरीर के अंदर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, ये वो एक्टिव पार्टिकल्स हैं जो शरीर में एंडोथेलियल डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से नसों के अंदर रुकावट हो जाना, जैसा कार्डियक प्रॉब्लम्स जो इस एज में जाके अक्सर होती हैं 50 की एज में, वो इस डैमेज की वजह से हो रही है, एंडोथेलियल डैमेज की वजह से हो रही है। कारण फ्री रेडिकल, कारण स्ट्रेस, ठीक से नींद ना लेना, इसकी वजह से शरीर में बहुत सारे नेगेटिव केमिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। हमारा शरीर एक पॉजिटिव और नेगेटिव केमिकल्स का बैलेंस है। जितना नेगेटिव केमिकल्स हार्मोन्स ब्लड के अंदर सिक्रीट होंगे, उतना बॉडी के अंदर नसों के अंदर डैमेजेस ज्यादा होएगा। इस डैमेजेस को बचाया जा सकता है, इस डैमेजेस को कम किया जा सकता है, ये इसकी वजह से आपके आपके शरीर में होने वाले नुकसान को मिनिमाइज किया जा सकता है। इसकी इसके लिए जो जो ज़्यादा शब्द आजकल यूज़ किया जाता है उसको एंटी ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। हालांकि आयुर्वेद में ये बहुत पुरानी परंपरा है, रसायन और वाजीकरण औषधियों के सेवन की। हमारे पास पूरा एक अंग है जिसको वाजीकरण अंग कहा जाता है, 8 अंगों में से शरीर के लिए जिसमें एक वाजीकरण है, जिसके अंदर केवल उन औषधियों का या उन जड़ी बूटियों का वर्णन है या उस कॉम्बिनेशंस का वर्णन है जो आपकी आपके शरीर में नेगेटिव या केमिकल्स को कम करते हैं, पॉजिटिव केमिकल्स को बढ़ाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाते हैं, मेल हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आपके ब्लड के अंदर ये लेवल्स को मेंटेन करके रखती हैं, उसको कम नहीं होने देती। हम लोग क्या है, हम लोग वेट करते रहते हैं, जब तक चीज़ ख़राब ना हो जाए तब तक हम लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हो ना, कैसे करवाते हो, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी आपकी जैसी आपकी ड्राइविंग है, जितनी आपकी गाड़ी चलती है उसके हिसाब से आप उसको रेगुलर गैरेज में भेजते हैं, जस्ट बिकॉज कि किसी दिन सुबह आप किसी इमरजेंसी में हैं, आपने गाड़ी का चाबी लगाया और स्टार्ट ना हो, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आप दिन या टाइम ख़राब नहीं कर सकते गाड़ी की वजह से, वो खराबी ना हो इसलिए आप उसको रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, सर्विस के लिए भेजते हैं। शरीर के लिए क्या कर रहे हो, स्ट्रेस, टेंशन, जाग रहे हो रात को, अल्कोहल ले रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, उसके बावजूद आप ये उम्मीद रखते हो कि शरीर में सेक्स प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो आई एम सॉरी सर, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप अपनी प्रॉब्लम्स को पहले से समझें। बीमारी का ना एक चीज़ बताता हूँ, जब भी बीमारी आपके शरीर में नज़र आती है, एक्चुअली में जब नज़र आती है, तब तक उसके पीछे 4 या 5 स्टेजेस बिल्ट हो चुकी होती हैं, 6 स्टेज होते हैं बीमारी की, 6th स्टेज को हम लोग व्यक्त भाव बोलते हैं, जब बीमारी ने अपनी प्रेजेंटेशन को देना शुरू किया। किडनी आपकी जब तक 70 या 80% खराब नहीं होगी, कोई ब्लड में चेंजेस आएंगे ही नहीं। लीवर जब तक आपका 60-70% तक खराब नहीं होगा, तब तक आपके ब्लड में चेंजेस आएंगे ही नहीं। आपकी नसें जब तक 70-80% तक ब्लॉक नहीं होंगी, तब तक एंजियोग्राफी में 30-40-50% को तो कोई केयर ही नहीं करता है। अगर 30-40-50% हो सकती है तो 100% होने में कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब बिल्ड तो हो ही रहा है ना, नुकसान तो शुरू हो ही चुका है। चेंजेस, गोली खा ले, आजकल तो बहुत आसान हो गया, हर चीज के लिए गोली खा ले। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता हूं, मैं जैसे जी रहा हूं मैं तो वैसे ही जीऊंगा। सर, अगर आप ऐसे ही जिएंगे तो फिर आपको इस वीडियो में कुछ मिलने वाला नहीं है, जस्ट बिकॉज यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस, आपकी नींद, आपका रोज़मर्रा का खाना, आपका एडिक्शंस, ये सब चीज़ रोज़ धीरे धीरे शरीर को निचोड़ रही है, ख़त्म कर रही है, आपकी ज़िंदगी रोज़ कम हो रही है और आप रोज़ बीमारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सेक्स प्रॉब्लम सबसे पहले आने वाली, क्योंकि सेक्स सिर्फ हेल्दी आदमी के लिए है, वो चाहे 18 साल का है या वो 28 का है या वो 68 का है,
सेक्स सिर्फ हेल्दी शरीर के लिए है क्योंकि ये निचोड़ है। सेक्स के थ्रू कुदरत अपने आप को हमारे थ्रू पैदा कर रही है, तो कुदरत नहीं चाहेगी कि कोई बीमार आदमी बच्चे पैदा करे, जस्ट बिकॉज कि बीमार आदमी से बीमार बच्चे ही पैदा होंगे। सो दिस इज अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कुदरत चाहती है आप सबसे अच्छी कौम पैदा करें, अच्छी अच्छी जनरेशन को पैदा करें, हेल्दी जीन्स को पास ऑन करें ताकि आने वाली जनरेशन और हेल्दी हो और समझदार हो। वो हेल्दी जीन्स या हेल्दी चीज़ें तभी पास ऑन की जा सकती हैं जब हम अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। आप अपने ध्यान खाने में ये ध्यान रखें कि फाइबर कितना आ रहा है, प्रोटीन कितना ले रहे हैं आप, कार्बोहाइड्रेट्स कितना ले रहे हैं, हेल्दी फैट्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ये सब चीज़ें आपकी डाइट में हैं कि नहीं है। और मेंटेन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जैसे अश्वगंधा है, शिलाजीत है, मूसली है, कौंच है, ये सब चीज़ें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप रेगुलर अपने जीवन में उतारें, डेफिनेटली आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स नहीं होगा। थैंक यू।